गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आपके जो थर्ड टेस्ट का कोर्स है वो मैं एक बार दोबारा आपको लिखवा रही हूँ। आपका जो थर्ड टेस्ट का कोर्स है लेसन थर्ड टेस्ट में आपके लेसन सातवां, आठवां, नवा और हिंदी ग्रामर में आएंगे वचन और स्वरनाम। ये दो टॉपिक है, आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ये लेसन है। कल की वीडियो में मैंने आपको लेसन 7 के सही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाए थे, आज मैं लेसन नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। लेसन नंबर 8 में जो दो पैराग्राफ दे रखे हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला है आपका, ये ऋषि की मात्रा है, उसको उसकी कुछ एक पैराग्राफ दे रखा है, पढ़ते हैं। घने वृक्ष के पास एक ऋषि का ग्रह था, यानी घर था। ग्रह का मतलब क्या होता है? घर। यानी एक घने वृक्ष के पास, एक घने पेड़ के पास एक साधु का घर था, या झोपड़ी थी, कुछ भी कहा जा सकता है। उनके पास सुंदर दृंगों वाला एक मृग था। उनके पास एक हिरण था जिसके जो सींग थे वो बहुत ही सुंदर थे। एक दिन एक नर ने मृग पर तीर चला दिया, यानी एक व्यक्ति ने मृग यानी हिरण पर तीर चला दिया। मृग की मृत देह देखकर, यानी जो उनका हिरण का मरा हुआ शरीर देखकर ऋषि बहुत ही दुखी हो गया। उन्होंने उसे अमृत पिलाया। मृग के जीवित होने पर कृपालु ऋषि ने नर्प को माफ कर दिया। जब अमृत पिलाने पर उनका हिरण क्या हो गया? जीवित हो गया, तो उन्होंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। नर्प अपने ग्रह यानी नगर को वहां से चला गया, अपने घर के लिए नगर को चला गया। अब अगली जो मात्रा है वो देखिए आप, पदेम की मात्रा है। इसके भी मैंने, ये भी पैराग्राफ है लेसन नंबर 8 का ही पढ़ रही हूँ। प्रेरणा चित्र बना रही है, देखो बना रही है ना चित्र प्रेरणा। उसके पास रंग और ब्रश है ना, ये रंग रखे हैं, कलर रखे हैं, और ये हाथ में उसके ब्रश है। उसने ग्रहों के चित्र बनाए, देखो बना रही है ना ग्रहों के चित्र बनाए। प्रताप उसे दूर से देख रहा है, ये प्रताप है, ये इसे दूर से देख रहा है, ये इसका बड़ा भाई है। प्रताप अपनी बहन प्रेरणा से बहुत प्रेम करता है। उसने जो चित्र बनाया उससे उसका भाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, खुश हुआ। उसने अपनी बहन को अपना ड्रम दे दिया, जो उसके पास ड्रम था उसने अपनी बहन को दे दिया। ये आपके दो पैराग्राफ है, इसके बीच में से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। घने वृक्ष के पास किसका घर था बेटा? ऋषि का। किसका घर था? घने वृक्ष के पास ऋषि का घर था, ठीक है। इसको राइट करेंगे, महिला कोई नहीं, गलत है। अगला है, जो सही ऑप्शन है आपको उसी को राइट करना है। अमृत किसको पिलाया गया? मृग को, नर्क को या हाथी को? किसको पिलाया गया था? मृग को। किसको? मृग यानी हिरण को पिलाया गया था, मृग को पिलाया गया था। ऋषि ने किसको माफ कर दिया? नर्क को माफ कर दिया ऋषि ने। जब उन्होंने हिरण को तीर चला दिया था, हिरण मर गया था, जब उन्होंने अमृत उसको पिलाया वो जीवित हो गया, तो ऋषि ने नर्क यानी नर्क को माफ कर दिया। नगर को कौन चला गया? ऋषि, मर्ग या नर? कौन चला गया? नर। आप देखिए चित्र कौन बना रही है, अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा था ना, चित्र कौन बना रही है बेटा? प्रेरणा। कौन बना रही है? प्रेरणा। किसकी बहन है? प्रताप की। प्रताप या प्रेरणा कौन बना रहा है चित्र? प्रेरणा। प्रताप की बहन का क्या नाम था? प्रताप की बहन का क्या नाम था? प्रेरणा था, सीता था। क्या था उनकी बहन का नाम? क्या था बेटा? प्रेरणा। क्या नाम था? प्रेरणा। प्रेरणा ने
देखो इसमें किसका चित्र बनाया था बेटा, ग्रहों का। किसके चित्र बनाए थे? ग्रहों का। किसका चित्र बनाया था? ग्रहों का। ये आपके लेसन नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आ सकते हैं। दो पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ एक ये पैराग्राफ, आप इन दोनों की अच्छे से रीडिंग कर लेना, क्योंकि पैराग्राफ के बीच में से ही क्वेश्चन बनकर आएंगे। इसके अलावा आपके दो टॉपिक है वचन और स्वरनाम, इनमें से ही मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन मैं और क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करें, जो वीडियो में समझाया जा रहा है उस वर्क को आप अपनी कॉपी में भी उतारें और इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उनके फटाफट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको इसकी थ्योरी तो नहीं निकली, बस यही बताना जो सही है उसको आपको क्लिक कर देना है, राइट कर देना है। पेपर सबमिट का आपको सारा प्रोसीजर पता ही है, आधे घंटे का होगा, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। आधे घंटे के टाइम में आपको 5 मिनट पहले लिंक भेज दिया जाएगा, उस 5 मिनट में आप पेपर अच्छे से देखें, उसको पढ़ें, फिर अगले आधे घंटे तक साइट ओपन रहेगी, जो सही क्वेश्चन है आप उसको राइट करें, उस लास्ट में आएगा पेपर सबमिट का ऑप्शन, आप पेपर सबमिट पे क्लिक करते ही आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लेसन को अच्छे से याद करें, कोर्स ज़्यादा नहीं है, केवल 3 ही लेसन है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। मैंने लेसन 7, 6 जो एग्जाम में आएंगे, लेसन 7 के भी मैंने ये क्वेश्चन आपको भेज दिया है, इसका ही वीडियो भेज दिया है। लेसन 8 का भी मैंने PDF आपको भेज दिया है, फोटो खींच के पूरा वर्क दे दिया मैंने आपको, लेसन 9 का भी दे दिया। अब आपकी ड्यूटी है पढ़ने की, अच्छे से आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। थैंक यू बेटा।